और मैंने कई दिनों से सोच रही थी ना कि बालों के लिए कुछ बनाऊं, मतलब कलर के लिए। मैंने यूट्यूब पर देखा था कि वो बालों के कलर के लिए कुछ इस तरह से बना रहे थे, जैसे पहले क्या बोलते हैं हल्दी को गूंदना है, मतलब ये तो वो इतना गर्म था ना, रोटी बनानी गली जाएगी। तो पहले हल्दी को भूनते हैं, फिर उसके बाद उसमें मेहंदी मिला के फिर मतलब चाय पत्ती का पानी डालते हैं, कुछ इस तरह से मेहंदी, उससे बहुत ही अच्छा कलर आता है। यूट्यूब पे बता रही थी, मुझे नहीं पता, मैंने आज तक। और यहाँ पे मेरा ये हल्दी वाला, हल्दी की क्या बोलते हैं यार, चाय पत्ती वाला पानी हो गया तैयार। इसमें मिला दिया मैंने मेहंदी और वो हल्दी और मेहंदी इस वाले गिलास में मिला रही हूँ। मैंने गिलास किया है और ये पानी मेरा ज्यादा ना हो, उसकी थोड़ा सा और खोलने देती हूँ उसको। रस मुझे तो लगता है कि लल होने वाली है बंदर की तरह, ज्यादा लाल ना हो बस, बाकी तो चलो दाहक तो चल पड़ेगा। मुझे लगता है इसका कलर ही बनेगा शायद मेहंदी का, पता नहीं। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ ये मेहंदी और फिर आपको रिजल्ट बताते हैं लगाने के बाद कि कौन सा कलर आया और क्या हुआ। सिर्फ कलर का नहीं है, ज्यादा जले ना बस, कुछ ऐसा ना हो, एलर्जी वलर्जी ना हो, बाकी तो चलो चल पड़ेगा। चलिए लगा देते हैं। यहाँ पे मेहंदी तो लग चुकी है बट मुझे जलन जुलन तो कुछ नहीं हो रही। अब कलर कौन सा आएगा वो मैं दिखाऊंगी फिर बाद में, क्योंकि लगाते हैं मुझे 10 मिनट तो हो गए होंगे बट अभी तक तो कोई जलन नहीं हो रही। मुझे लगता जलन होगी इससे, पता नहीं उसने कौन सा वो बनाया था। चलिए फिर देखते हैं धोने के बाद कौन सा कलर देगी मेहंदी। चलिए जी 12 बज चुके हैं, मैं भी खा लेती हूँ क्योंकि मेहता जी ने आते ही खा लिया था, जैसे वो खेत से आए वैसे उन्होंने खाना खा लिया, तो बोलते मुझे भूख लगी है, तो मेरे उस टाइम कुछ काम था। और तीसरा मेंबर अभी सो रहा है, वो भी जब उठेंगे खुद खाएंगे। तो इस तरह से चल रहा है आज हमारे संडे, मतलब अकेले अकेले खाना अपने अपने टाइम में, क्योंकि अभी थोड़ा गर्म है, जितने में तीसरा बंदा उठेगा उतने में फिर और गर्म करना पड़ेगा। क्या करें फिर, आजकल सब अपने अपने हिसाब से खाते पीते हैं, उठना बैठना सब अपने हिसाब से होता है, जैसे पहले होता था परिवार में, वो चीज अब रही नहीं है, कोई भी एक दूसरे का ना सुनता है, क्योंकि अपने अपने टाइम है ना, किसी का सोने का टाइम है, किसी का खाने का टाइम है। वैसे मेरा तो अभी खाने का टाइम हुआ भी नहीं था, फिर मैंने सोचा मेहंदी भी लगा के रेस्ट भी करना है, खाना ही खा लेती हूँ फिर उसके बाद रेस्ट करूंगी, निपटा के रखती हूँ परे। आज सैलेड भी नहीं है, मूली भी नहीं लाई, और यहाँ पे ना मेरे फ्रिज में अनार पड़े हैं, ये देखने पड़ेंगे सूख गए कि खराब हो गए होंगे, क्या है, कब से थे अनार, ये देखती हूँ जरा। खराब हो रहे हैं बेचारे, बाहर का तो छिलका सूख चुका है इसका, अंदर पता नहीं कैसे होंगे। अंदर के दाने तो ठीक ही है शायद, कटा भी नहीं जा रहा ये तो, इतना सकते हैं बाकी तो अंदर से तो सही है। चलिए फिर खोलते हैं इनको भी, फिर अभी तो
तो फ्रिज से निकाला है, यहाँ रखती हूँ इनको, पहले खाना खा लेती हूँ। एक ही फुलका खाया जाएगा शायद, ना हरी मिर्च। चलिए फिर खा लेती हूँ मैं भी खाना। फिल्टर में नहीं है पानी, अब नलके से पीना पड़ेगा। इसमें भरना ही नहीं है तो बना कहाँ से, बस निकालते जाते हैं। मिलते हैं फिर खाना खा के। और मैंने बाल धो दिए और आपको दिख रहा है इधर से कलर, मेहंदी वाला वही कलर है, कोई चेंजिंग नहीं है। मुझे लगा हल्दी और वो डाल के, पत्ती डाल के कुछ डार्क होगा, बट नहीं, बिल्कुल मेहंदी वाला कलर आया इसमें। और मैं नहा के तैयार हो चुकी हूँ, तैयार तो क्या मतलब नहा चुकी हूँ। और आज गांव में मीटिंग है फिर से, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं तो हमारे भी कैंडिडेट हैं, आप भी सपोर्ट करना हमारे कैंडिडेट को जिसका नाम है अमित मेहता। तो उन्होंने गांव में बैठ मीटिंग रखी है, सब महिलाओं को बुलाया है, जिसमें पुरुष भी भाग लेंगे शायद। तो फिर मैं जा रही हूँ अभी थोड़ी देर में, वहाँ पे वीडियो बना पाई तो कोशिश तो करूँगी, बट देखती हूँ क्या होता है। एने कहने खुद तो मैं कोटी वो पहनना ही भूल गई हूँ, घर से स्टार्ट करती हूँ वीडियो। साढ़े 7 बजे का टाइम और मैं अभी पहुंच रही हूँ घर में, और आते ही मैं करूंगी डिनर। अब मुझे लगी है बहुत ज्यादा भूख, क्योंकि दीदी तो कर चुकी डिनर, वो तो सोने भी चली गई, और मेहता जी अभी पार्टी में बैठे हैं गांव में। मैंने बोला था ना कि आज गांव में मीटिंग थी, तो वो लोग अभी मीटिंग में ही बैठे हैं, और मैं हम लोग आ गए थे, हम लोग भी बैठे थे गप्पे मारने, क्योंकि बहुत मुश्किल से ऐसा टाइम मिलता है जब हम सब महिलाएं इकट्ठे होते हैं। और आते ही मुझे लगी है बहुत ज्यादा भूख, मैं खा लेती हूँ खाना। और खाने में क्या बनाया आज, खाने में बनाया भिंडी की सब्जी, थोड़ा सा खा लेती हूँ अचार भी और हरी मिर्च। चलिए फिर कर लेते हैं डिनर। ये है मेरी भिंडी की सब्जी, चपाती। ओके, मिलते हैं फिर कल सुबह। और यहाँ पे डिनर करने के बाद मैंने कपड़े कर दिए फोल्ड, पहले तो मेरा मन नहीं कर रहा था, फिर मैंने सोचा चलो कर देती हूँ, ऐसे फैला के रखे हैं ये 3-4 दिनों से यहाँ पे फैला के रखे हैं। और एक गुलाब और था यार, दूसरा वाइट वाला, वो कहाँ है, वो कोई नीचे ही होगा शायद। बेड बॉक्स पकड़ना भी पड़ रहा है, और इसमें
धारनी भी अर्जाई, तो ये बहुत ही मुश्किल काम था। एक हाथ से इसको पकड़ो और ये वाला जो कंबल है ये यहाँ पे होता है, कई बार हम यहाँ पे बैठते हैं तो क्योंकि अब ठंड हो गई है तो इसकी जरूरत यहाँ पे पड़ती है, तो इसको मैं यहीं पर। पी लेती हूँ पानी, लगता है शायद 8:30 का टाइम हो चुका होगा। आज से अब आपको इलेक्शन की बातें सुनने को मिलेगी, जहां भी बस सोशल मीडिया पे भी यही चलता रहेगा कि किसकी कितनी सीटें हैं, ये किसको वोट देना है, क्या 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 क्या। अब तो दिसंबर तक जहां भी देखो यही सुनने को मिलेगा। चलो अपने अपनी समझ से सब करेंगे, पर आप लोग मेरे कैंडिडेट को वोट देना। इसी के साथ इस वीडियो का यहीं पे एंड कर दूंगी। मिलते हैं फिर नए व्लॉग के साथ नए दिन में, कोशिश करूंगी अच्छा वीडियो बनाने की।